पहली मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के घर 7RCR में। संजय, ये जो जानकारी आ रही है, संजय ब्राक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, ये जानकारी कि वो शरीक नहीं होंगे, अभी निमंत्रण दिया नहीं गया और ये खबर भी आ गई। नहीं, उनका कार्यक्रम पहले से तय है प्रसून 14 तारीख का, जिसमें उस वक्त 6:30 बजे ही रवाना हो जाएंगे। पहले पूना में जनरल इलेक्ट्रिकल्स का एक प्लांट है, वहां पर उनको उसका इनॉग्रेशन करना है। उसके बाद शरद पवार का जो एक कृषि संस्थान है वहां पर दोपहर में कार्यक्रम है। तो ये सब कार्यक्रमों के बाद वो रात में ही लौटेंगे और ये पहले से तय कार्यक्रम है जिसमें बदलाव होना अब मुमकिन नहीं है, इस तरह की जानकारी दी जा रही है। आप सही कह रहे हैं, अभी तक न्योता ना तो दिया गया है ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय को मिला है। जाहिर है जब आप बातचीत कर रहे होंगे तो न्योता देंगे, उससे पहले ही हम अपने दर्शकों को बता दें कि उस दिन प्रधानमंत्री यहाँ नहीं होंगे महाराष्ट्र के दौरे। जी, एक छोटी सी जानकारी और, बारामती जाएंगे, शरद पवार से मिलेंगे, क्या महाराष्ट्र के भीतर के कुछ नए समीकरण है, क्योंकि शिवसेना लगातार हमले कर रही है और चचा भतीजा कि सरकार कह के बहुत हमला प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। इसके संकेत प्रसून कल ही मिल गए थे, जब वहां पर जो नव निर्वाचित मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, जो बहुत सहज नहीं थे एनसीपी के साथ जाने के लिए, तो कल वो तारीफ कर रहे थे और डिफेंड कर रहे थे कि प्रधानमंत्री और शरद पवार दोनों या एनसीपी उनके लिए अछूत नहीं है। राजनीति में कभी भी कोई भी इस तरह का रुख नहीं लिया जा सकता है कि कोई अनटचेबल है, तो दोनों के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पे कोई आपत्ति या कोई इस तरह की सवाल खड़े नहीं किए जाए। चलिए, राजनीति कैसे किस रूप में बदल रही है इसका नजारा, इसका मतलब बहुत साफ है, बारामती में भी नजर आने वाला है। अजीत पवार के खिलाफ क्या क्या किस्सा गोई और कच्चे चिट्ठे फडणवीस ने नहीं खोले थे जो कि मुख्यमंत्री बन चुके हैं, और इन सब के बीच अब शरद पवार परिवार के साथ बारामती में नजर आएंगे।